स्टूडेंट हाउ आर यू आज हम क्या करेंगे पता है आपको स्टोरी सुनेंगे क्या करेंगे स्टोरी सुनेंगे आपको स्टोरी सुनना पसंद है आपने आपको स्टोरी सुनना ठीक है और कौन सी स्टोरी सुनेंगे पता है आपको प्यासा कौवा हम कौवे की स्टोरी सुनेंगे ठीक है तो क्या है मतलब तो एक बहुत बड़ा जंगल था तो उसमें एक कौवा रहता था क्या रहता था कौवा रहता था और फिर एक दिन क्या हुआ कि वो कौवा यात्रा पर जा रहा वो कौवा यात्रा पर जा रहा था तो यात्रा करते हुए उसको रास्ते में बहुत प्यास लगी तो उसने क्या किया पता है तो वो एक उड़ते उड़ते वो एक जाल पर ठहर गया मतलब बैठ गया और फिर वो पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा क्योंकि जब उसको पानी नहीं मिल रहा था और फिर इसका वो साल क्या था कि गर्मी बहुत पड़ रही थी गर्मी बहुत पड़ रही थी तो जो आसपास के तालाब नदी सब वगैरह थे ना वो सब सूख गए थे कहाँ भी पानी नहीं था और फिर जो पेड़ है वो भी सूख गए थे कि बारिश ही नहीं हुई थी और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी तो इसमें से कौवा जो कौवा था ना उसको बहुत प्यास लगी थी तो उसने देखा कि यहाँ पर तो कई जगह पर पानी ही नहीं पानी ही नहीं तो फिर से वो उड़ने लगा और फिर उड़ते उड़ते उसको एक घर दिखा क्या दिखा उसको एक घर दिखा दूर से दिखा तो उसको एक घर दिखा तो वो उड़ते वो घर पर बैठा वो घर पर बैठा और फिर वो घर की छत है ना उस पर से आस पास देखने लगा यहाँ पर कुछ पानी है तो उसने उसको एक घड़ा दिखा क्या दिखा उसने से उसको एक घड़ा दिखा देखा यहाँ पर है ना तो उसने उसको एक क्या दिखता है एक घड़ा दिखता है तो वो जाके वो बहुत खुश हो गए कि हाँ मुझे पानी पीने को मिलेगा ऐसा क्या होता है कि वो उठकर वो घड़े पर आके बैठता है फिर देखता है कि घड़े में पानी है तो हाँ तो वो देखता है ऊपर और फिर देखता है कि घड़े में पानी है तो फिर वो खुश तो हो जाता है पानी देख के और फिर जो पानी पीने जाता है ना तो वो उसकी जांच पानी तक नहीं पहुँचती तो वो फिर सोचने लगता है कि पानी तो है और मैं वो कैसे तो फिर वो सोचता है कि कैसे मैं पानी को ऊपर लाऊं वो सोचता है कि मैं इस घड़े में थोड़े से कोकोनट डाल दूंगा तो वो पानी ऊपर आ जाएगा जो कोकोनट है वो ऐसे वो डाल दूंगा तो वो पानी ऊपर आ जाएगा तो फिर वो इधर उधर देखता है इधर उधर आसपास देखता है कि जहाँ पर कोई कोकोनट ऐसे कोकोनट होता है वो काकड़े होते हैं ऐसे छोटे 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 बड़े या छोटे वो इधर उधर देखता है तो वो कहीं भी नहीं हो हाँ फिर उसे आसपास थोड़े दूर से थोड़े कंगन दिखते तो फिर वो क्या उठकर वो एक एक करके कंगन अपनी जांच लिए उठा के लाता है और फिर घड़े में डालता है तो फिर थोड़े कंगन डाले तो फिर पानी कभी भी ऊपर नहीं आया कभी वो उसकी वो पी नहीं सकता था फिर भी उसने अपनी हाथ नहीं मांगी फिर भी उसने प्रयास किया नहीं अभी तो मैं पानी नहीं पी सकता फिर भी वो पूरे कंगन भी लाता है और फिर भी वो घड़े में डालता है देख ऐसे घड़े में डालता है फिर ऐसे 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 करके थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर आ रहा होता है और फिर बहुत सारे वो अपने चांस से पकड़ के कंगन खाता है और फिर आके जो काके होते हैं ना वो घड़े में डालता है और फिर क्या होता है
पानी होता है ना वो ऊपर आ जाता है, जो उसने कंकर डाले ना पानी घड़े में तो उससे क्या होता है, जो पानी होता है वो धीरे 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 करके ऐसे ऊपर आता है और फिर क्या करता है वो, जब भी वो पानी ऊपर आया तो वो बहुत खुश हो गया और उसने पेट भर के पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझ जाएगा। तो देखो कौवे ने हार मानी नहीं मानी ना, थोड़ा सा पानी था फिर भी वो उन्होंने हार नहीं मानी और फिर ने प्रयत्न किया कैसे मैं पानी को ऊपर लाऊं, कंगन लाए और फिर घड़े में डाले और फिर पानी को ऊपर लाया और उसने पिया और फिर क्या किया बताए, पानी पी के उन्होंने जो उनके दोस्त थे ना आसपास उनको भी उसने बुलाया कि आप भी पानी पियो, जो मैं पानी ऊपर लाया हूँ वो पानी आप भी पियो। तो जो सारे पंछी थे तो उन्होंने भी पानी पिया, जो कौवे ने घड़े में कंडा के पानी ऊपर लाया था ना तो वो पानी उन सबने भी पिया और वो उन पक्षियों ने और पक्षियों ने कौवे का शुक्रिया किया कि आपका आभार हमें पानी दिया, इसलिए तो इससे हमें क्या सीख मिली है बताए कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें जो भी मुश्किली हो उसका हमें सामना करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। हम प्रयत्न करेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी, हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो हमें सफलता कैसे मिलेगी। ठीक है, तो जो भी मुश्किली है उसे हमें डर कर सामना करना चाहिए। ठीक है, तो हमें सफलता अपने आप मिलती है। ठीक है, तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप घर पे सुनना स्टोरी। ठीक है, और सुनकर आप क्या करोगे, अपने मम्मी पापा या दादा दादी हो ना उसे आप ये स्टोरी सुनाना। ठीक है, बाय बाय।